स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य यांनी उद्धव ठाकरेंबाबत केलेल्या वक्तव्यावरून राजकारण तापलेलं आहे. उद्धव ठाकरेंनी हिंदुत्वाला धोका दिला, त्यांनी बाळासाहेबांच्या विचारधारेला तिलांजली दिली असं महंत नारायणगिरी यांनी म्हटलंय. उद्धव ठाकरेंसोबत विश्वासघात झालाय असं विधान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य यांनी केलं होतं. आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं इनके साथ विश्वासघात हुआ है, तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया. हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ. जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है. तो उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का आशीर्वाद होगा हम करेंगे. विशेष रूप से परमादरणीय जो हिंदुत्व के धोखा देकर देवेंद्र जी जो मुख्यमंत्री बनने वाले थे, देवेंद्र जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले थे, उनको धोखा देकर और परम पूजनीय परम आदरणीय जो उनके पिताश्री थे उनकी विचारधारा विपरीत में जाके विद्रोहियों के साथ जाके वो मिल गए और ऐसे लोगों को घर में जाकर महाराज श्री ने जो है उनके निवास पर जाकर उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जो है उनके साथ धोखा हुआ. धोखा तो उन्होंने दिया, उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया, हिंदू समाज को धोखा दिया. महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.